सात फ्रंट, 7,000 धमाके, इजराइल के प्रधानमंत्री लेबनान बॉर्डर पर हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, सैनिकों का हौसला बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि नेतन्याहू को लेबनान बॉर्डर जाना पड़ा? नेतन्याहू जमीन पर बैठे हैं, कमांडर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, नेतन्याहू अपने कमांडरों की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें कुछ आदेश भी दे रहे हैं। नेतन्याहू अपने कमांडरों से क्या बात कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह को देखिए। कहते हैं कि तस्वीरें खामोशी के साथ बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। नेतन्याहू जिस जगह पर बैठे हैं उसके ठीक पीछे दीवार पर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है टुगेदर वी विल विन, यानी हम सब मिलकर जीतेंगे। तो सवाल है कि क्या लेबनान मोर्चे पर इजराइल का हौसला बिखर रहा है? और इसी को समेटने नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पहुंचे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और इजराइल अब तक ईरान के हमले का जवाब नहीं दे पाया है। उसका फोकस अब भी लेबनान है और लेबनान के बॉर्डर पर लड़ाई मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि इजराइल को 10,000 अतिरिक्त सैनिक यानी एक रिजर्व डिविजन लेबनान बॉर्डर पर तैनात करना पड़ा है। ईरान की तरफ से हुए इन मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के सात फ्रंट संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सात फ्रंट पर नेतन्याहू की सेना कमजोर पड़ती जा रही है? इसीलिए सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नेतन्याहू को उत्तरी कमान के तहत आने वाले लेबनान बॉर्डर पहुंचना पड़ा। इजराइल कहां पड़ रहा है कमजोर और किन मोर्चों पर इजराइल कर रहा है धुआंधार हमले, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए सैनिकों से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו ואני מצדיע לכם ואומר לכם אתם דור הניצחון יחד נלחם ויחד ננצח בעזרת השם נתניהו דיכאנה צאתה כי एक अकेला सात फ्रंट पर भारी है, क्या ये सही है? पश्चिम एशिया में इजराइल इस वक्त सात मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इन मोर्चों पर लड़ने के लिए अमेरिका इजराइल की पूरी मदद करता है, गोला, बम, बारूद, हथियार, सब कुछ नॉनस्टॉप सप्लाई करता है और इन्हीं हथियारों से बेरूत में लगातार धमाके भी हो रहे हैं। लेकिन जब बात ग्राउंड ऑपरेशन की आती है तो वहां पर नेतन्याहू अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका उनकी वहां पर मदद नहीं कर पाता। यही वजह है कि जमीन की लड़ाई में इजराइल मुश्किल में है। नसरुल्ला के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में हमास और फिलिस्तीनी जिहाद, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में हशद अल शाबी, सीरिया में अफगानी शरणार्थियों का संगठन फातिमिया ब्रिगेड, यमन में हूती विद्रोही और बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड है। इन सातों मोर्चों पर इजराइल अकेला लड़ाई लड़ रहा है। इन मोर्चों पर लड़ने के लिए अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, बम गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। इसी बम गोलों से बेरूत में नॉनस्टॉप धमाके हो रहे हैं। लेकिन जब जमीन पर लड़ने की बारी आई तो नेतन्याहू अकेले हैं। इजराइल इस वक्त लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन इजराइल के लिए उतना आसान नहीं। नसरल्ला के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इसराइल इस मोर्चे पर कई सैनिकों को खो चुका है। हिजबुल्ला इसराइल के दूसरे बड़े शहर हाइफा पर भी लगातार हमले कर रहा है, लगातार रॉकेट दाग रहा है और इसराइल को बता रहा है कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है। अमेरिका व दुवल गर्बिया कुल्लहुम युहाविलून अन यदगतु अलैना मिन अजल अन नखशा व अन नखाफ लकिनना लन नख्शा वलन नखाफ। यही वजह है कि नेतन्याहू अपना पूरा गुस्सा लेबनान की राजधानी बेरूत पर उतार रहे हैं। बेरूत से आई इस तस्वीर को देखिए। बेरूत का ये वीडियो न्यूज 18 के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। क्या इस जगह और गाजा में आपको कोई फर्क समझ में आ रहा है? अब इसराइल बेरूत को दूसरा गाजा बनाना चाहता है, ये इन तस्वीरों से साफ है। ये वीडियो उस जगह का है जिसे लेबनान में हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। ये न्यूज 18 इंडिया का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये बेरूत का दाहिया इलाका है।
और यहाँ इसराइल की बमबारी के बाद के हालात आप देख सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है और यही पास में ही हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर भी है और ये इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। इसराइल का अटैक इतना जोरदार था जिसने इतना बड़ा गड्ढा बन गया।